ग्लेन मैक्सवेल की पत्नी बिनी रमन 19 नवंबर को अहमदाबाद में भारत पर ऑस्ट्रेलिया की 2023 वर्ल्ड कप फाइनल की जीत के बाद ट्रोल पर भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 240 रन बनाए, जिसमें विराट कोहली ने 54 रन बनाए और केएल राहुल ने स्कोर बोर्ड में 66 रन जोड़े। पिच की परिस्थितियों का फायदा उठाने में माहिर ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज की स्कोरिंग कैपेसिटी को सीमित करने में कामयाब रहा। स्कोर का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत भी कुछ ठीक नहीं हुई, क्योंकि पावर प्ले के दौरान 46 रन पर ही 3 विकेट गिर गए थे। फिर भी ट्रेविस हेड ने शानदार 137 रन बनाए और मानुष लेबुशन जिन्होंने नाबाद 58 रन बनाकर सहायक भूमिका निभाई, इनके बीच रिमार्केबल साझेदारी उभरी। इस साझेदारी ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से आसान जीत दिलाई, जिसमें ग्लेन मैक्सवेल ने विजय रन बनाए। मैक्सवेल ने एक शानदार अभियान का आनंद लिया था, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे तेज शतक और दोहरा शतक बनाया था। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ने कैंपेन में 400 रन और 6 विकेट के साथ समाप्त किया। मैक्सवेल की पत्नी ने अब इंस्टाग्राम का सहारा लिया है, जहां उन्होंने तस्वीरों का एक कोलाज पोस्ट किया है और अंत में ट्रोल के लिए एक मैसेज दिया है और कहा, मेलबोर्न, सिंगापुर, दिल्ली, धर्मशाला, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, कोलकाता, अहमदाबाद, सिंगापुर, मेलबर्न। रमन ने कहा, जीवन भर की एक यात्रा जो लोगों को याद नहीं रहेगी। मैक्सवेल, अभी भी इस टूर्नामेंट में आपने जो कुछ भी हासिल किया है उससे सरप्राइज्ड हैं। आखिरी स्लाइड में रमन उन ट्रोल्स पर निशाना साधा जिन्होंने भारत में जड़े होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया का सपोर्ट करने के लिए उनकी आलोचना की थी। मैक्सवेल की पत्नी ने उनसे यह भी कहा कि वे अपना गुस्सा अधिक इम्पोर्टेंट मुद्दों की ओर निर्देशित करें। ऐसे क्रिकेट न्यूज से अपडेट रहने के लिए बाबा क्रिकेट न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें।